गाइस तो so आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं आ दरअसल मैं नई जगह पर शिफ्ट हुई हूँ इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत तो थो आती है यार एडजस्ट होने में ऐसा ही कुछ मेरे भी साथ है बट फाइनली सब कुछ सही चल रहा है तो मैं भी वीडियो अब कंटिन्यूसली अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे मेनली नो जेंस है जो कि मैथ जीनियस है और गो टॉप एजुकेशन कंपनी का मालिक भी है और तो उसका फैन साइनिंग इवेंट होता है यहाँ पर लड़कियाँ तो उसका ऐसे वेट कर रही थी जैसे कि वो कोई आइडल हो और सभी लोग उसके लिए ऐसे पागल हो जा रहे थे जैसे कि भाई कब हमारा आइडल आए कब हम उसे देखें इसके बाद नौ जैन सबके सामने आता है और बताता है कि मैं ही नौजन हूँ सभी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और कहते हैं कि हमें ऑटोग्राफ चाहिए हमें ऑटोग्राफ चाहिए प्लीज दे दीजिए इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो कि गन पॉइंट पर नौ जिन को लिया हुआ है बट वो उसे गोली से मारता नहीं है बट नौ उसकी तरफ देख लेता है अब था उसने देख लिया हो तभी अपनी बेचारी फीमेलीशन को देखते हैं जो कि इस ड्रामा में हमारे मेल लीड नौ जिन की एक असिस्टेंट है यहाँ पर वो सारा सामान मतलब नोजिन जिन की आने की तैयारियाँ कर रही होती है उसके लिए कॉफी लेती है उसकी ड्रेस लेती है और फिर दैट सारा सामान लेकर अपने कैबिन के बाहर खड़ी हो जाती है वेट करती है कब नौ जिन आए जब कंपनी में एंटर करता है सभी उसे ग्रीट करते हैं बट उसे किसी को भाव नहीं देता यहाँ पर जब वो अंदर आता है तो लीशन भी उसे उसे करती है है बट इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो तो अपने ऑफिस में जाता है यहाँ पर लीशन उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है तभी जो भी वो लाई है वो सब कुछ सही चल रहा है मतलब जो वो कॉफी लाई है वो भी सही बनी है लेकिन जैसे ही सैंडविच की बारी आती है तो यहाँ पर नोजिन नोटिस करता है कि इसमें ऑनियन कैसे है यहाँ दरअसल हम बताते हैं तो नोजिन को ऑनियन से एलर्जी है और वो किसी भी चीज़ में ऑनियन पसंद नहीं करता इसके बाद लीशन को इस बात पर डांट पड़ती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये सब मुझे पसंद नहीं है लीशन ऑफिस से बाहर निकल कर यहाँ पर गोलियाँ खाती हैं तुम्हें तो यहाँ पर एक बंदे कांग मेन की एंट्री होती है दरअसल हम बता दें तो ये गोटॉप कंपनी का एक प्राइमरी फाउंडर है यहाँ पर वो लीशन से कहता है कि तुम नौजन की सेक्रेटरी हो तो वो कहती है कि हाँ तो वो कहता है कितने दिनों से कुछ एक आध महीने से तो वो कहती है कि नहीं कुछ ज्यादा तीन महीने से वो कहती है कि नहीं कुछ ज्यादा तो वो कहता है तो तुम काफी ज्यादा लकी हो कोई भी लड़की आज तक उसके सेक्रेटरी के तौर पर तीन महीने से ज्यादा नहीं टिक पाई ऑल द बेस्ट आई होप तुम काफी मेहनत कर रही हो कांगमेन नोजन से बात करता है हमें पता चलता है कि कांगमेन ने अपने सारे पैसे दरअसल गैम्बलिंग में उड़ा दिए और अब वो नोजन से ये सब मदद मांगने के लिए आया है तभी नोजन उससे कहता है कि तुमने अपने सारे पैसे गैम्बलिंग में उड़ा दे और अब तुम इस कंपनी के लिए कुछ काम भी नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी मैं मदद क्यों करूँ तो तुम यहाँ पर कांगमेन कहता है कि ओ हेलो मैं भी इस कंपनी का फाउंडर हूँ तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए तुम यहाँ पर नोजन कहता है कि तुम जब तक मेरे लिए यूजफुल थे जब तुम इस कंपनी के लिए कुछ कर रहे थे और पैसे कमा कर ला रहे थे जो कोई बंदा से नहीं कमाता वो गार्बेज के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता तब यहाँ पर कांग कहता है कि मैं गार्बेज नहीं हूँ बदबू फैलाएगा इसी तरह तुम्हें भी अपनी सही जगह पर जाना चाहिए यहाँ पर कांग में जब दिखता है कि नोजन उसकी हेल्प नहीं कर रहा है इसके बाद वो वहाँ पर सब कुछ गिरा देता है इसके बाद सिक्योरिटी है उसे पकड़ के ले जाती है वो रास्ते में कहते हुए जाता है कि उसे छोड़ेगा नहीं और देखना जिनको एक दिन जरूर मार कर आएगा सभी प्रोफेसर इंस्ट्रक्टर की एक मीटिंग होती है यहाँ पर मुझे सभी को बताता है कि अगर तुम इसे किसी ने भी अच्छा काम नहीं किया ओवर टाइम और कम टाइम से मुझे मतलब नहीं है अगर तुम ढंग से पढ़ा रहे हो बच्चे तुमसे पढ़ रहे हो और प्रॉफिट आ रहा है तो तुम काबिल इंस्ट्रक्टर हो अगर नहीं तो तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो और जिस तरह काम इनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है उस तरह मैं तुम्हें भी यहाँ से दो मिनट में दफ़ा करने में कोई भी टाइम नहीं लगाऊंगा इसलिए मेहनत करते रहो और पैसे जरूर कमाते रहो सभी समझ जाते हैं और कहते हैं कि जी सर हम कर है नहीं पर डिप्टी सीईओ की एंट्री होती है उसे देखकर ही सभी चेहरे पर खुशी आ जाती है दरअसल उसका बिहेवियर हमारे नोजिन से एकदम डिफरेंट है वो नोजिन का छोटा भाई है लेकिन वो काफी स्वीट है इसके बाद नोजिन और वो एक साथ मेड कर बातें करते हैं तभी यहाँ पर उनके जब प्रोफेशनल बातें खत्म हो जाती हैं तो तब तो उसका छोटा भाई जाने लगता है नोजिन कहता है कि तुम ऐसे ही जा रहे हो कुछ तुम्हें कहना नहीं है तो कहता है कि नहीं मुझे क्या कहना होगा जिनका बर्थडे होता है तो अपने छोटे भाई से एक्सपेक्ट कर रहा था शायद वो उसे विश करे और कुछ केक वेक का इंतजाम करे उसका छोटा भाई ऐसे चला जाता है और कहता है कि हाँ सही बात है केक और बर्थडे ऐसी चाइल्डिश चीजें मुझ पर शोभा थोड़ी देती हैं मैं अब एक यंग मैन हूँ और ये सब तो बेकार की बातें हैं यहीं पर जब वो गेट खोलता है तो यहीं पर उसका छोटा भाई और लेशन केक लेकर उसे सरप्राइज करते हैं तभी उसका भाई कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं भूल जाऊंगा यहाँ पर नोजन के चेहरे पर खुशी तो आ जाती है क्योंकि उसे ऐसा ही लग रहा था कि उसका छोटा भाई उसका बर्थडे ऐसे नहीं भूल सकता यहाँ पर उसका छोटा भाई कहता है कि तुम्हें कांगमेन के बारे में और सोचना चाहिए तुम्हें उसे एक मौका और देना चाहिए तब यहाँ पर नोजन कहता है कि बिल्कुल नहीं जो कोई अपना काम एक बार में नहीं करता उसे दोबारा मौका देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता तो आई डोंट थिंक कि सब पॉसिबल हो सकता है तो इसका छोटा भाई कहता है कि ठीक है अब वो सब तुम्हारे ऊपर है मुझे तो बस कहना था तो मैंने कह दिया तभी नौजिन को एक अजीब सा गिफ्ट मिलता है जो कि वो अपने पास रख लेता है मैं छोटे भाई को नहीं बताता इसके बाद अपने ऑफिस में से एक सीक्रेट रूम खोलता है देखते हैं कि वहां पर ऐसे ही कुछ स्कैरी से गिफ्ट कई सारे थे मतलब नौजन को इतने सारे अजीब अजीब गिफ्ट मिल चुके हैं जो कि पता नहीं उसके कौन से एडिटर ने उसे भेजे होंगे तो फिर नोजिन कहता है कि कोई बात नहीं ये सब भी क्यूट है लिशन की बात करें तो उसकी जिंदगी बद से बदतर हो गई थी उसे पूरे ऑफिस में सर्वेंट की तरह काम करना पड़ता है दरअसल वो सीक्रेटरी तो सिर्फ नोजिन की है बट उसे हर एक इंस्ट्रक्टर को एक सर्वेंट की तरह सर्व करना पड़ता है सभी उसको चलाते भी हैं बिकॉज वो उनकी सारी इच्छाएं जो पूरी नहीं कर पाती यहाँ पर वो कई सारी टैबलेट भी खाती है अपने हेडेक के लिए क्योंकि उसे अपने इस काम से और नोजिन की वजह से हर बार हेडेक हो जाता है बीमारी उसकी काफी हद तक स्कैरी होती जा रही थी तभी हम उसकी बाकी सक्रेटरी की बात करें तो मुश्किल से कुछ एक महीने कुछ तीन महीने टिक पाई उनका रेशन लेटर जल्दी ही नोजिन के टेबल पर आ जाता था बट रेशन पहले ही जैसे असिस्टेंट है जो कि इतने टाइम तक नोजिन के साथ रह पाई उसके सारे नकड़े झेल पाई और अभी तक उसके साथ है नोजिन का छोटा भाई लीशन को गिफ्ट देकर सरप्राइज करता है और उसे काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर देता है और कहता है कि आज तुम्हारी वन ईयर वर्क एनिवर्सरी है तो लीशन ने पूरा एक साल कंप्लीट कर लिया था नौ दिन के अंडर काम करते हुए दरअसल ये उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही मान ले और आज तक कोई भी असिस्टेंट काम ये सब नहीं कर पाई इसके बाद वो उसे कुछ एक्स्ट्रा फंड भी देता है और कहता है कि ये तुम्हारा वेकेशन गिफ्ट आई होप तुम्हारा वेकेशन इन्जॉय करोगी तभी यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि थैंक यू सो मच ये मेरा पहला गिफ्ट है इसके बाद अपने घर पर जाती है तो यहाँ पर अपनी फ्रेंड को बताती है कि आज उसके प्रिंस ने उसे कुछ गिफ्ट दिया है दरअसल हम लीशन की बात करें तो उसका हमारे नौजिन की छोटे भाई पर क्रश होता है क्योंकि वो काफ़ी ज्यादा स्वीट है और हमेशा लीशन से काफ़ी प्यार से बात करता है जो कि नौजिन कभी नहीं कर पाते इसलिए उसे उसका छोटा भाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है कोरिया की सभी टॉप कंपनीज के जो डायरेक्टर हैं उनकी मीटिंग होती है और यहाँ पर हम बात करें तो हमारे मिस्टर नोजिन की टक्कर में भी कोई था इन दोनों में दरअसल फर्स्ट एंड सेकंड की होड़ लगी हुई थी नोजिन वहाँ पर मीटिंग में आते हैं तो यहाँ पर उसके रेड कार्पेट बेच गया था और वो ऐसे एक्ट करता है जैसे कि वो कोई एक स्टार हो जिसे बिना रेड कार्पेट के चलना तो आता ही नहीं इसके बाद इन दोनों में काफी बड़ा झगड़ा होने लगता है यहाँ पे नोचे कहता है कि जरा दिखाना तुम्हारे पंख आ गए तभी वो कहता है कि क्या बात रहे हो तुम कहता है कि हाँ बिकॉज तुम आखिर फर्स्ट सेकेंड से पर जो आ गए हो तो तुम्हारे पंख तो कट कर कहीं गिरे होंगे ना मुझे तो नहीं दिख रहा है तो कहता है कि इट्स नॉट दैट फनी इसके बाद हम नो जिन की बात करें तो दरअसल पहले वो इतना बड़ा आदमी नहीं था वो एक सर्वेंट के तौर पर सफाई का काम करता तो था एक दिन इन्हीं के ऑफिस में घुस इनके काफ़ी कठिन मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया वो भी चुटकियों में इसके बाद उसने प्रोफेसर से कहा कि इतना ज़्यादा भी कठिन नहीं था आज नोजन बराबरी पर उनके सामने खड़ा है और उनसे कुछ बड़े ही अहदे पर इंस्ट्रक्टर की नीयत बिगड़ जाती है और वो नौ जिन के लिए पानी में कुछ मिला देते हैं जिसके बाद उसका पेट खराब हो जाए और उसका वहां पर टिकना दरअसल पॉसिबल ही ना हो पाए यहाँ पर नौ की प्रेजेंटेशन की जो पेन ड्राइव है वो भी गायब हो गई थी मतलब उसे उसका स्टाफ लाना भूल गया था इसके बाद ये सब जिम्मेदारी अब बची थी तो सिर्फ हमारे रिलेशन की इसके बाद वो ऑफिस में उन सब चीजों को तो रुना स्टार्ट करती है एक बार जिन सारी मीटिंग को काफी संभालने की कोशिश करता है और जिसने उसके लिए जाल बिछाया था को वो पानी जबरदस्ती पिला देता है और सभी के सामने उन्हें वो पानी पी नहीं पड़ता है इसके बाद होता है उनका पेट खराब जब भाग भाग कर टॉयलेट की तरफ जाते हैं तो रास्ते में उनकी पेंट में निकल जाती है मुझे कहने की जरूरत नहीं है लीशन उस पैन ड्राइव को ढूंढ कर मीटिंग हॉल में पहुंच जाती है यहाँ पर जब वो वो मीटिंग में इंटर करती है तो मीटिंग को इंटरप्ट कर देती है तब तो यहाँ पर नोजन कहता है कि तुम्हें पता है कोई ऐसा इंसान भी है जो कभी इंस्ट्रक्टर बन ही नहीं सकता तुम्हें डेमो चाहिए इसके बाद वो लिशन की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि ये कभी भी इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकती तो होपफुली तुम लोग इसे सीख लो कि तुम इसकी तरह नहीं बनोगे और आज नो जिन ने पूरी भरी सभा में हमारी लेशन की इतनी बड़ी बेसती की थी इसके बाद उसे काफी बुरा लगता है बट वो कुछ कह भी नहीं सकती थी लेशन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी उसके सिर का हेड एक बढ़ता ही जा रहा था इसके बाद उसे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाना ही पड़ता है यहाँ पर डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं जब वापस आती है तो देखती है कि आज ऑफिस में कोई भी नहीं है उस तैयारियाँ की थी तभी उसे एक सफाई करने वाली आंटी बताती है लोग कंगनम गए हैं तुम्हें तो नहीं बताया तो वो कहती है कि नहीं यहाँ पर वो कहती है कि देखो मैं सफाई करती हूँ मुझे ही पता है लेकिन तुम तो नोचिन की सिक्रेटी हो शायद उसने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा किशन को डॉक्टर से कॉल आता है इसके बाद वो डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है तो यहाँ पर उसे एक बड़ी ही शॉकिंग न्यूज पता चलती है और यहाँ पर डॉक्टरों से बताते हैं कि तुम्हें कैंसर है ब्रेन ट्यूमर और तुम बच नहीं सकती आई नो कि ये सब काफ़ी ज़्यादा कठिन है तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना बट तुम्हारे पास काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है और तुम्हें एडमिट हो जाना चाहिए बिकॉज उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी बद से बदतर होने वाली है इसके बाद क्या था लेचिन को झटका लगता है इसके बाद वो सड़क पर जाना स्टार्ट करती है या पर अपनी उस लाइफ को एक्सपीरियंस करती है जो कि उसने एक साल में नोजिन के साथ बर्बाद की है इंटरव्यू देने के लिए गई थी तो नोजिन ने उसकी फाइल को ही क्रॉस कर दिया था इंटरव्यू में एक भी पॉइंट नहीं मिले थे नोजिन की तरफ से उसे एक प्रपोजल मिलता है या तो वो नोजिन की असिस्टेंट बन जाए या फिर इस कंपनी को छोड़कर चली जाए इसके बाद उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलने वाली थी इसके बाद असिस्टेंट बनने का ही सोच लेती है कुछ दिनों में ही उसका स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे नूजन के नखरे उससे नहीं झेले जा रहे थे उस उसे इतनी शक्ति बरतता है कि बेचारे की हालत खराब हो जाती है आफ्टर ऑल उसे तंग आकर वो सोचती है कि वो फाइनली रिजाइन कर ही देगी लेकिन जब वो नूजिंग को पढ़ाते हुए देखती है तो उसे अपना सपना याद आ जाता है और कहती है कि नहीं वो ऐसे गिव अप नहीं कर सकती उसे अपने सपने भी पूरे करने हैं इसीलिए नो no, नहीं करेगी ऐसा लेकिन अब जब उसकी जिंदगी खत्म होने पर आई है तो उसे याद आता है कि उसने नौजिन ने उसकी सारी जिंदगी तबाह कर दी कभी भी नहीं होता अगर वो अपनी लाइफ और इंसान की तरह जीती नोजिन ने उसकी जिंदगी इतनी बदतर कर दी तो आखिरी समय आ गया है इसके बाद वो सोचती है कि वो नोजिन को छोड़ेगी नहीं यहाँ पे नोजिन को घर पर देखते हैं इसके बाद नोजिन आज तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था उसके वेकेशन जो चल रहे थे आसमान में भी उसे मैथ ही दिख रहा था यहाँ पर वो अपनी इमेजिनेशन की गर्लफ्रेंड को इमेजिन करता है जो कि उसकी कभी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी यहाँ पर उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो, हो तुमने मेरे लिए कभी भी टाइम नहीं निकाला इसके बाद नोजिन उसे किस करने वाले होता है तो वो काउ से गिर जाता है तो वो कहता है कि हे भगवान मैं और मेरी इमेजिनेशन तभी हम लीशन को देखते हैं जो कि आज काफी दबंग सा मेकअप कर कर जिन के घर में एंटर करती है यहाँ पर नौजन उसे देखकर डर जाता है क्योंकि वो शावर लेकर आया था और कहता है कि क्या कौन हो तुम तभी पर लिशन अपना असली चेहरा दिखाती है और कहती है कि ये मैं हूँ हथौड़ा दिखाती है हथौड़ा देख तो मैं तुम्हें मारूंगी नहीं आफ्टर दैट वो एक बैग में से काफी सारे अनियन निकालती है क्योंकि उसे पता है कि नोजिन को अनियन से कितनी बड़ी एलर्जी है वो उसे अनियन फेंक कर भी मारती है और कहती है कि रखो है और रेजिग्नेशन लेटर से उसके चेहरे पर चटाक चटाक से काफी सारा मारती है इसके बाद वो घर के बाहर निकल जाती है और आज उसकी जो फर्स्ट

ये सब तो हो ही नहीं सकता पर यही उस पर चिल्ला पड़ती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं वापस आऊंगी और तुम्हारी उस बकवास से सुनने के लिए और सुनो अब मैं तुम्हारी सिक्युर नहीं हूँ तो तो मुझे मत करना तुम्हें क्या लगता है मुझे गुस्सा नहीं आता मुझे वो उतना ही गुस्सा आता है इसके बाद नोजिन रास्ते पर खड़ा होता है बंदा उसे टक्कर मार कर चला जाता है यहीं पर लीशन को नोजिन की आवाज ना बंद हो जाती है और कहती है कि हेलो क्या आप ठीक हैं उसे लगता है कि कहीं नोजिन को कुछ हुआ तो नहीं लेकिन वो सोचती है कि छोड़ो मुझे क्या मतलब बट यार हमारी थोड़ी है, वो वापस लौट कर के पास आती है देखती है कि नोज़े का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा है आप दर वो उसे एम्बुलेंस में रखकर हॉस्पिटल ले जाती है वो डॉक्टर से कहती है कि प्लीज उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर से बताते हैं कि काफी खून बह गया है हमने पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे लीजन की हालत खराब हो रही थी और कहती है कि भगवान प्लीज मिस्टर नोजिन को बचा लीजिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी मैं बस ये चाहती थी कि उन्हें बस ये रियलाइज हो कि वो अपने इस स्ट्रिक्ट बिहेवियर से किसी की जिंदगी कितनी नर्क बना चुके हैं और इसकी वजह से उनकी बाकी सेक्रेटरी ने क्या कुछ नहीं सहा होगा मैं बस ये नहीं चाहती थी कि वो मर जाए या फिर उनके साथ कुछ और भी हो जाए बस यही चाहती थी कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो इवन पर नोजिन की जो सर्जरी है वो काफ़ी ठीक जाती है इसके बाद वो तो डॉक्टर को थैंक यू बोलती है यहाँ पर नोजिन के पास आती है तो काफ़ी सॉरी फील कर रही थी बिकॉज नोजिन की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब थी नर्स आकर लेचिन को उसका चेहरा दिखाती है और कहती है कि आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए जब आप रेस्ट कर लें तो आप वापस यहाँ पर आ जाइएगा नोजिन का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती है

नोजिन की छोटी भाई की बात करें तो उससे अभी तक कुछ पता ही नहीं है कि कोरिया में क्या हो रहा है वो फॉरेन गया हुआ है और उसे लगता है कि अभी नोजिन का वोकेशन है और नोजिन ने उसे मना किया था कि उसके वोकेशन परेशान मत करना इसलिए वो अभी तक नोजिन को कॉल भी नहीं किया है और उसे ये भी नहीं पता कि आखिर उसके भाई के साथ क्या क्या हो गया ही पीशन हॉस्पिटल जाती है और सोचती है कि वैसे मैं इस इंसान की देखभाल क्यों कर रही हूँ इसने तो मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी मैं इसकी देखभाल आज फिर क्यों कर रही हूँ ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है इसके बाद वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है यहाँ पे पुलिस उसे टकरा जाती है और कहती कि मिसेज लीशन हमें आपसे कुछ बात करनी है हमें पता चला है कि आप एक्सीडेंट साइट पर थी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये सब पता चला है कि लेशन भी उस जगह पर थी मतलब उसका एक्सीडेंट से कोई ताल्लुक हो सकता है इसके बाद को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं ये पानी में खत्म हो जाता है तो देखते हैं कि आके लेशन को पुलिस अरेस्ट करती है या फिर लेशन कोई और ही दिमाग लगाती है तो मिलते हैं एक्सपर्ट के साथ तक के लिए बाय केयर थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग